पिछले 8 दिनों से सफाई कर्मचारी हो या फिर दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी, नगर निगम, नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है, इसके अलावा अगर हम बात करें दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रतिदिन 11 लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इनकी मांगे हैं जो कौशल रोजगार है उसको ख़त्म किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन, इसके अलावा अन्य कई मांगे हैं जिनको लेकर ये लगातार भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र शिंद, फायर विभाग का राज्य प्रधान और नगर पालिका का राज्य उप प्रधान। किन मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पर बैठे? हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर पालिका, नगर परिषद व अग्निशमन केंद्रों पर आज कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं 29 अक्टूबर के समझौते को लागू कराने के लिए। और जो सरकार ने हमसे वादा किया था 29 अक्टूबर को समान काम समान वेतन देना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगानी और फायर विभाग को वापसी शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करना, 2063 की भर्ती को रद्द करना और 2268 पोस्टों पर 1366 कर्मचारियों को उस पर समायोजित करना, 212 कर्मचारियों को कौशल से बाहर कर पेरोल पर करना। इन सभी मुद्दों पर हमारी सरकार से बातचीत हुई थी, लेकिन सरकार ने आपकी जो मांगे हैं वो अक्टूबर में जो आपने हड़ताल की थी उसके बाद सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हुई थी, मान तो लिया गया था मांगे, लेकिन अब क्या दांव पे चढ़ता है? अभी सरकार ने बातचीत तो कर ली थी लेकिन कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया, सिर्फ एक ही परिपत्र जारी किया है भाई 4298 जो सफाई कर्मचारी हैं पेरोल पर लगे हुए हैं उनको पक्का करेंगे, लेकिन उस जो लेटर जारी किया था उसमें भी कई कंडीशन है लेकिन वे पक्के नहीं हो सकते। हम सरकार से कहना चाहते हैं भाई एक ही कलम से पक्का किया जाए, और सरकार ने हमसे 5 तारीख को फिर बातचीत के लिए बुलाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कभी बातचीत से पीछे नहीं हटता, हम बातचीत करने के लिए जाएंगे और वहाँ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से और कमल गुप्ता से दोबारा फिर हमारी बातचीत है, हम उनसे ये बताना चाहते हैं, लेकिन अब की बार बातचीत से काम नहीं चलेगा। हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, 8 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी की रात को मीटिंग होगी और 9 तारीख को फायर की और नगर पालिका की हर रोहतक में एक कन्वेंशन बुलाई गई है। अगर 9 तारीख से पहले पहले अगर सरकार ने कोई परिपत्र जारी नहीं किया, जो हमारी बातचीत होगी उन समझौतों को लागू नहीं किया, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि इनके द्वारा कहा गया है कि 5 तारीख को इनकी जो है बातचीत के लिए इनको बुलाया गया है, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी रणनीति तय की जाएगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम अनूप सिंह है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ नगर पालिका में। जैसा कि 5 तारीख को आपको बातचीत के लिए बुलाया गया, बातचीत के लिए आपको अक्टूबर में भी बुलाया गया था, लेकिन आपकी कुछ मांगे भी मानी गई थी लेकिन वो अभी तक लागू नहीं, क्या उम्मीद है 5 तारीख की जो मीटिंग है वो सफल रहेगी, जो मांगे हैं मान ली जाएंगी? ऐसा ही सरकार में हमें विश्वास तो है नहीं, फिर भी हमें एक बातचीत के लिए तो हमारे नेता जाएंगे ही, अगर मांगे नहीं पूरी करी, वही बात है प्रधान जी ने कहा है कि 5 तारीख को बात के लिए जाएंगे, अगर 9 तारीख तक उसके लेटर जारी नहीं किया और तुरंत प्रभाव से उसको लागू नहीं कराया गया तो फिर कर्मचारी हड़ताल के लिए मजबूर है। रोहतक के अंदर जो कन्वेंशन होगी उसके अंदर हमें चित्रकाल का कि कॉल कर देंगे इस, और ये बिगुल बच चुका है कि अनिश्चित काल के लिए फिर चले जाएंगे। फिलहाल कितने दिन के लिए हड़ताल की गई थी? भूख हड़ताल तो ये 27 से लेके 4 तारीख तक है, ये राज्य का आदेश है हमारे नेताओं का, 4 तारीख तक तो कर्मी हड़ताल चलेगी, स्थगित कर दी गई है। भूख हड़ताल स्थगित कर दी गई है कल को, क्योंकि बातचीत है। हाँ बातचीत है, तो आगामी रणनीति क्या तय की जाएगी, क्योंकि कल बातचीत है, बातचीत में अगर समाधान नहीं निकलता? सरकार से जो बातचीत होगी, जिसका जो फैसला होगा हमारे नेता हमें बताएंगे, अगर वो फैसला सही होगा और हमारे नेता कहेंगे भी बात सही है तो हड़ताल नहीं होगी। तो ये पूरे हरियाणा की हड़ताल चलेगी? ये सारे हरियाणा की हड़ताल है। सफाई व्यवस्था की अगर बात करें, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे, क्या शहर में सफाई
व्यवस्था हो रही है, जो कर्मचारी हैं आपके साथ के वो सफाई कर रहे हैं या बिल्कुल बंद है? नहीं, इस टाइम तो सफाई का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। सिर्फ 11 लोग कर्मी कंसन हड़ताल पे बैठे हैं, बारी बारी से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि इनकी जो क्रमिक हड़ताल है वो 27 तारीख से 4 तारीख तक थी। कल यानी बातचीत के लिए इनको बुलाया गया, अगर इनकी बातचीत सफल नहीं होती तो आगामी रणनीति तय की जाएगी, शायद अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाया जा सके और सफाई व्यवस्था जो है वो भी बंद की जा सकती है। कैथल से वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।